सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज का हमारा दूसरा पाठ है वातावरण। क्या है वातावरण? वातावरण मतलब वो जो हमारे आसपास है, हमारी पृथ्वी का एक अभिन्न हिस्सा है, हमारी पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं। अब आप इस तस्वीर में देखिए, आपको इसमें क्या क्या दिख रहा है? वाव, कितनी बड़े बड़े ऊंचे पर्वत हैं, नदी है, नदी में एक नाव है जिसमें एक आदमी क्या कर रहा है, नाव को चला रहा है, पेड़ हैं, पक्षी हैं, इंद्रधनुष है ना, और एक झोपड़ी भी है, मतलब घर। वाव, ये तो और भी सुंदर दृश्य है ना। इसमें देखो, किनारे में आपको क्या दिखेगा? गार्डन दिखेगा, है ना। गार्डन मतलब बगीचा। यहाँ पे भी देखो कितने सुंदर सुंदर फूल हैं, बगीचे में देखो कितने सुंदर सुंदर फूल हैं। एक पुल है, पेड़ है, हाँ। तो हमारे वातावरण में क्या क्या होता है? पहाड़ होते हैं। क्या होता है? पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़। और क्या होता है? पशु होते हैं हमारे चारों तरफ, है ना। अगर आप घर के बाहर जाते हो, आपको डॉग्स दिखते हैं, कैट्स दिखती हैं, और जब आप किसी खेत में जाते तो आपको कौन दिखता है? गाय दिखती है, भैंस दिखती है। गाय और भैंस का तो हम दूध भी पीते हैं ना, हाँ। और क्या होता है हमारी पृथ्वी पे? और क्या चीज़ मिलती है? खेत। क्या मिलती है? खेत खलियान मिलते हैं, खेत खलियान मिलते हैं ना, जिसमें किसान हमारे लिए भोजन उगाता है, गेहूं उगाता है जिससे आटा बनता है, चावल उगाता है, दालें उगाता है, फल सब्जियां उगाता है, है ना। और क्या है हमारी पृथ्वी पे? नदी है। क्या है? नदी। नदी से हमें क्या मिलता है? जल मिलता है, और मछलियाँ मिलती हैं, और ये मछलियों के रहने की जगह भी है। मछलियाँ नदी में रहती हैं। और अगर हम अपने आसपास देखेंगे तो हमें क्या दिखता है? बगीचे दिखते हैं, उपवन दिखते हैं, और उसमें क्या होता है? खूब सुंदर सुंदर फूल होते हैं, रंग बिरंगे फूल होते हैं। तो हमारे पर्यावरण में क्या क्या होता है? हमारे पर्यावरण में पहाड़ होते हैं, नदी होती है, पौधे होते हैं, जानवर होते हैं, किसान होते हैं, किसान मतलब इंसान होते हैं, नदी होती है। तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं हमारे लिए? पर्यावरण। क्या बनाते हैं? पर्यावरण, जिसका हम एक अभिन्न अंग हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है? आपको एक बहुत ही सुंदर सा दृश्य बनाना है जिसमें आप ये सारी चीज़ें ड्रॉ करेंगे और उनको सुंदर सुंदर रंगों से सुसज्जित करेंगे, ठीक है। बाय।